गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, ट्वेल्थ क्लास CBSE के लिए हम सिक्स चैप्टर के बारे में डिस्कस कर रहे थे और जो हमारा लास्ट टॉपिक था, अगर हम उसकी बात करें तो लास्ट क्लास में हमने हेनरी और फैराडे से रिलेटेड जो एक्सपेरिमेंट थे उनके बारे में डिस्कस किया था कि हेनरी और फैराडे के द्वारा जो मेजर 3 एक्सपेरिमेंट किए गए हैं उनके बारे में हम बात कर चुके थे। देखिएगा, नेक्स्ट का टॉपिक है यानी जो हेनरी और फैराडे के जो एक्सपेरिमेंट है उनका जो कंक्लूजन है जिनको फैराडे ने दिया, ठीक है ना। तो नेक्स्ट टॉपिक है फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया जाता है कि स्टेट द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए बच्चों, प्रीवियस क्लास में जो 3 हमने एक्टिविटी पढ़ी थी फैराडे और हेनरी की, उनके बेसिस के ऊपर, ठीक है, उन्हीं के कंक्लूजन के ऊपर फैराडे ने 2 मेन लॉज दिए जिनको हम क्या बोलते हैं, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, ठीक है ना। तो देखिएगा, फर्स्ट अगर हम बात करें फर्स्ट लॉ की, जो किसके द्वारा दिया गया था फर्स्ट, ठीक है ना। तो फर्स्ट लॉ है वो क्या होता है, अकॉर्डिंग टू फैराडे बोल सकते हैं हम इसको, फैराडे फर्स्ट लॉ। फैराडे का फर्स्ट लॉ है वो क्या कहता है, इफ देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, लिंक विद क्लोज कोइल सर्किट, इफ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स विद क्लोज सर्किट देन EMF इंड्यूस। यानी क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो क्या प्रोड्यूस होगा, इंड्यूस EMF। ये उसका फर्स्ट लॉ है। अब देखिएगा, मैग्नेटिक फ्लक्स में कैसे चेंज होता है, हमने एक्सपेरिमेंट किया था कि ये जो कॉइल रखी हुई है इस तरह से और ये इसके साथ गैल्वेनोमीटर जुड़ा हुआ है, तो जैसे ही हम इस मैग्नेट को आगे की ओर लेके जाएंगे, ये मानते एक बार मैग्नेट है, तो इससे ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो इस तरह से होंगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का पैटर्न है, ठीक है। अब देखिए, जैसे ही ये बार मैग्नेट आगे की ओर जाएगा तो ये जो फेस है अगर इस कंडीशन में होगा या फिर इस कंडीशन में, तो मुझे बताइए कि इस वाले एरिया पे फ्लक्स ज़्यादा होगा या इस वाले क्लोज एरिया से फ्लक्स ज़्यादा होगा। इस वाले क्लोज एरिया से फ्लक्स ज़्यादा होगा क्योंकि नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है, ज़्यादा पास हो रही है, यहाँ से तो कुछ ऐसे निकल जाएंगी, ठीक है। तो जितना हम क्लोज लेके आएंगे तो क्या हो रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज हो रहा है, तो उस मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से क्या होता है, इंड्यूस EMF होता है। अब देखिएगा, इसके अलावा हमने क्या कंक्लूजन निकाला है कि अगर ये मैग्नेट रेस्ट पर है, रेस्ट में है, तो उस केस में आपको पता है कि फ्लक्स में कोई भी चेंज नहीं होगा, फ्लक्स कैसा रहेगा, फ्लक्स भी कांस्टेंट रहेगा। तो जब अगर फ्लक्स कांस्टेंट है तब भी इंड्यूस EMF जनरेट नहीं होगा, इंड्यूस EMF केवल और केवल फ्लक्स में चेंज होने के टाइम ही क्या होता है, जनरेट होता है। अब फ्लक्स में चेंज आप
अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, चाहे इस मैग्नेट को मूव करा के टुवार्ड्स या अवे करके, ठीक है। अब देखो चेंज का मतलब क्या हो गया, वो इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, ठीक है ना। ये नहीं कि भी फ्लक्स चेंज हो रहा है यानी वो इंक्रीज ही होगा, फ्लक्स में चेंज यानी वो नेगेटिव में भी हो सकता है और पॉजिटिव में। तो मैग्नेट आगे की तरफ लेके जाए या पीछे की तरफ लेके जाए, यानी फ्लक्स में चेंज होगा इस कॉइल के लिंक फ्लक्स में, उससे क्या होता है कि यहाँ पर एक EMF जनरेट होता है, ठीक है ना। जैसे कि अगर हम करंट, दूसरा एक एक्सपेरिमेंट पढ़ा था हमने करंट के साथ, तो उसमें देखिए हमने जैसे स्विच ऑन करेंगे तो करंट जीरो से और कहाँ पर पहुँच जाता है, मैक्सिमम तक जाता है। तो करंट जब बढ़ता है तब भी क्या होता है, इंड्यूज EMF जनरेट होता है, यानी करंट हो गया या मैग्नेटिक बार मैग्नेट हो गए, वो दोनों किसको चेंज करते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। तो पहला लो फैराडे का फर्स्ट लो क्या कहता है, इफ़ देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द एनी क्लोज लूप या एनी कोइल देन मैग्नेटिक इंड्यूज सॉरी देन इंड्यूज EMF प्रोड्यूज। क्लियर। तो जो EMF इंड्यूज होता है उसका रीजन क्या होता है, फ्लक्स में चेंज होने का कारण। यही क्या था फैराडे का फर्स्ट नियम। वापिस से बोल रहा हूँ कि फैराडे का फर्स्ट नियम क्या कहता है, इफ देर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएट विद द एनी क्लोज लूप देन इंड्यूज देन EMF इंड्यूज। क्लियर। अब देखिएगा अगर हम सेकेंड लॉ की बात करें, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे, बच्चों इनको देखिएगा, नोट्स आपको PDF में से करना है, ठीक है। अब देखिए सेकेंड लॉ फैराडे क्या कहता है, सेकेंड लॉ के जो इंड्यूज EMF है उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो इंड्यूज EMF के मैग्नीट्यूड को किसके द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, सेकेंड लॉ से, ठीक है ना। और क्या कहता है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज EMF इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द चेंज इन फ्लक्स, यानी जो इंड्यूज EMF होता है, यानी जो EMF इंड्यूज हो रहा है उसका जो मैग्नीट्यूड है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, चेंज इन फ्लक्स यानी d∅/dt। और यहाँ से हम EMF को लिख सकते हैं k d∅/dt। हेयर k इज क्या है, कॉन्स्टेंट, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, ठीक है। तो फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है, वो इंड्यूज EMF के मैग्नीट्यूड को दर्शाता है, ठीक है। पहला तो पॉइंट क्या हो गया कि फैराडे सेकंड लॉ किसको रिप्रेजेंट करता है, इंड्यूज EMF के मैग्नीट्यूड को। अगर स्टेटमेंट की बात करें तो क्या होता है स्टेटमेंट, कि द मैग्नीट्यूड ऑफ इंड्यूज EMF किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, फ्लक्स में चेंज के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, ठीक है। तो यहाँ से हम इसको ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि चेंज इन फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंड्यूज EMF। तो ये किसके नियम है, फैराडे के। क्लियर। अब देखिएगा नेक्स्ट हम बात करते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, लेंज लॉ या लेंज लॉ। अब बच्चों देखिएगा लेंज लॉ है वो किसको दर्शाता है, अभी हमने पढ़ा कि जो फैराडे का सेकंड लॉ है, सेकंड लॉ वो किसको दर्शाता है कि इंड्यूज EMF को मैग्नीट्यूड को दर्शाता है। क्लियर। लेंज लॉ है वो किसको दर्शाता है, इंड्यूज EMF की डायरेक्शन को दर्शाता है। तो ये ध्यान रखना कि फैराडे का सेकंड लॉ है उसमें डायरेक्शन ही होती है, उसकी डायरेक्शन को फैराडे के सेकंड लॉ को यानी इंड्यूज EMF की डायरेक्शन को वो कौन सा लॉ दर्शाता है, लेंज लॉ, ठीक है ना। अब अगर हम लेंज लॉ की स्टेटमेंट की बात करें तो क्या होता है,
अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ लेंज लॉ क्या कहता है द डायरेक्शन ऑफ इट इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच टाइप दैट इट अपोज इट्स कॉज ऑफ ओरिजिन। ठीक है, देखिएगा क्या कहता है कि जो डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज सच टाइप दैट इट अपोज टू कॉज ऑफ ओरिजिन, यानी जो इंड्यूज ईएमएफ हो रहा है यानी जो ईएमएफ जनरेट होता है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होती है कि वो उसी कारण का विरोध करता है जिसके द्वारा वो उत्पन्न होती है। यानी जो ईएमएफ है किसके द्वारा उत्पन्न होती है, फ्लक्स में चेंज के, तो उसके क्या होता है वो अपोज करता है, यानी उसकी डायरेक्शन है फ्लक्स में चेंज के अपोजिट होती है, इसलिए क्या होता है ये नेगेटिव साइन आता है। तो देखिएगा लेंज लॉ में नेगेटिव साइन होता है, फैराडे के सेकंड लॉ में नेगेटिव साइन नहीं होता है, यानी फैराडे लेंज का जो नियम है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, फैराडे के सेकंड लॉ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है या इंड्यूज ईएमएफ की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो समझ गए होगे कि लेंज लॉ क्या होता है कि डायरेक्शन ऑफ इंड्यूज ईएमएफ जस्ट अपोजिट ड्यू टू विच द ईएमएफ प्रोड्यूस, यानी उत्पन्न ईएमएफ की डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो उसी कारण का विरोध करती है जिसके द्वारा वो उत्पन्न होती है। अब देखिएगा इसके अगर हम बात करें तो लेंज लॉ का जो मैथमेटिकल फॉर्मूला है फॉर लेंज लॉ, अगर लेंज लॉ के फॉर्मूले की बात करें तो उस टाइम वो कितना हो जाएगा, ईएमएफ इक्वल टू माइनस ऑफ ए डी फाई अपॉन ए डी टी। तो ये हम क्या लिखेंगे लेंज लॉ से, अगर हम माइनस को यूज नहीं करेंगे तो वो फैराडे का सेकंड लॉ हो गया। ठीक है ना, इफ देर आर एन टर्न्स इन कॉइल देन, अगर कॉइल के अंदर एन टर्न्स है देन इंड्यूस ईएमएफ वो कितना हो जाएगा, एन टाइम बढ़ जाएगा माइनस एन डी फाई अपॉन ए डी टी। तो यहाँ से बच्चों ध्यान रखना कि एन है वो केवल और केवल किसको दर्शाता है, सॉरी जो नेगेटिव साइन है वो किसको दर्शाता है, केवल डायरेक्शन को दर्शाता है। ठीक है ना, अब देखिएगा इसके कुछ एग्जाम्पल की बात करते हैं। आपके पास जैसे ये कोइल है, ठीक है, एक बार मैग्नेट आप लेके आते हैं, ये नॉर्थ पोल है और ये साउथ पोल है। जैसे ही बार मैग्नेट को आप इधर मूव कराते हैं वी वेलोसिटी से, तो आपको पता है इस कोइल के अंदर क्या जनरेट होगा, एक इंड्यूज ईएमएफ जनरेट होगा। अब उस इंड्यूज ईएमएफ यानी ईएमएफ होगा तो यानी करंट भी होगा, तो इंड्यूज करंट की जो डायरेक्शन है वो कैसे होगी उसके बारे में बात करते हैं। कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछा जाता है एक नंबर के क्वेश्चन में कि आपको मोशन दे देगा मैग्नेट का और इंड्यूस ईएमएफ की डायरेक्शन को फाइंड आउट कराएगा। ठीक है, तो देखिएगा जैसे हम इस मैग्नेट को इधर लेके आते हैं, ये इसका नॉर्थ पोल हो गया, तो आपको पता है कि इस कॉइल का ये वाला जो पोल है ये इस तरह से बिहेव करेगा कि ये इस नॉर्थ पोल का अपोज करे, क्यों, बाय द लेंज लॉ, यानी इसके अंदर जो इंड्यूज ईएमएफ है उसकी डायरेक्शन इस तरह से होगी कि वो अपने ओरिजन यानी उस अपने प्रोड्यूस होने वाले रीजन का ही क्या करे, अपोज करे। अब देखो ये एन को हम इधर लेके आएंगे तो ये जो कॉइल है वो किसकी तरह बिहेव करती है, एन की तरह। अब एन की तरह बिहेव करेगी तो इसके अंदर जो करंट है उसकी डायरेक्शन किस तरह से होगी, इस तरह से। तो जब किसी भी बार मैग्नेट के नॉर्थ पोल को किसी कॉइल के पास लेके जाते हैं तो उसका जो फेस जो कॉइल की तरफ है, बार मैग्नेट की तरफ है, वो किसकी तरह बिहेव करेगा, नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करेगा। क्लियर, अब देखिएगा
अगर हम इसको सेम कोई ले आपकी ये बार मैग्नेट है, इस नॉर्थ साउथ पोल को हम चेंज नहीं करते हैं, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, इसको इधर लेके जाते हैं, यानी हमने वेलोसिटी को चेंज कर दिया। पहले इधर लेके आ रहे थे, अब देखिएगा ये नॉर्थ पोल है, इसको इधर लेके जाएंगे तो इसका ये फेस है वो इस तरह से बिहेव करेगा कि ये नॉर्थ को इधर जाने नहीं देगा, यानी ये किसकी तरह बिहेव करेगा, साउथ की तरफ, यानी अप्रोच कर रहा है ना, पास आ रहा है तो आने नहीं दे रहे, ठीक है, जा दूर लेके जा रहे हैं तो जाने नहीं देता है, ठीक है ना। यानी इसके अंदर जो करंट की डायरेक्शन है वो किस तरह से हो जाएगी, इस तरह से। तो लेंज का नियम क्या होता है कि अगर कॉइल के पास मैग्नेट लेके आएंगे तो आने का भी अपोज करता है और दूर लेके जाएंगे तो जाने का भी अपोज करता है। क्यों? क्योंकि इस ईएमएफ की जो डायरेक्शन है, इंड्यूस ईएमएफ या करंट की जो डायरेक्शन है वो उसका अपोज करती है, जिसकी वजह से वो जनरेट होती है। तो किसकी वजह से जनरेट हो रही है, नॉर्थ पोल की वजह से, क्योंकि नॉर्थ पोल को पास लेके आएंगे तो फ्लक्स में चेंज होगा, फ्लक्स में चेंज होगा तो उससे क्या होगा कि मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होने से ईएमएफ जनरेट होता है। क्लियर? अब देखिएगा नेक्स्ट पर, देखिए अब हम क्या करते हैं, इस कॉइल को ऐसे रखते हैं, ये जो बार मैग्नेट है इसका साउथ पोल लेके आते हैं इसकी तरफ। तो देखिएगा बच्चों, जब हम साउथ पोल लेके आएंगे तो ये वाला जो फेस है इसके अंदर किस तरह से करंट है वो प्रोड्यूस होगा, या किस तरह से ईएमएफ प्रोड्यूस होगा। तो साउथ को हम इधर लेके आ रहे हैं तो ये फेस है इसका अपोज करेगा, किसका, इस साउथ का। इस साउथ का अपोज कब होगा, जब ये वाला फेस किसकी तरह बिहेव करे, साउथ पोल की तरह बिहेव करे, यानी इसके अंदर जो करंट है वो किस डायरेक्शन में होगा, इस तरह से। तो आपसे ऐसी करंट की डायरेक्शन पूछी जाती है। अगर हम नेक्स्ट कंडीशन देखें, बार मैग्नेट को अवे लेके जाते हैं इस कॉइल से इस डायरेक्शन में, तो अब दूर जाती है तो ये इसका फिर अपोज करेगा, तो किस कैसा फेस कर लेगा, ये नॉर्थ पोल, क्योंकि तभी तो ये साउथ को अपनी ओर खींचने की कोशिश करेगा। हम इधर की ओर मूव करा रहे हैं लेकिन ये किधर खींचने की कोशिश करेगा, इस तरह से। तो इसमें जो करंट की डायरेक्शन है वो इस तरह से हो जाएगी, ठीक है। तो बच्चों इस तरह से क्या होता है कि लेंज लॉ की जो डायरेक्शन है वो हम कंसीडर कर सकते हैं किसी भी कॉइल के अंदर, उसके अंदर फ्लो होने वाले करंट की डायरेक्शन भी कंसीडर कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू। इसको साथ साथ पीडीएफ जो आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दिए उसमें से नोट करना है, इस चैप्टर से कोई भी पार्ट रिमूव नहीं किया गया है, ठीक है। तो आपको प्रॉपर नोट करना है, अगर कोई समझ में नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं। देखिएगा दो चार बच्चे ही है वही पूछ रहे हैं, बाकी के कोई बच्चे काफ़ी बच्चे हैं उनका कोई रेस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो या तो वो पढ़ नहीं रहे या फिर उनको सब कुछ समझ में आ रहा है, ये दो ही कंडीशन हो सकती है। और मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा कोई बच्चा होगा जिसको सब कुछ समझ में आ रहा होगा, प्रॉब्लम तो पढ़ने वाले को आती है चाहे वो कितना इंटेलिजेंट हो। तो मैं यही सोचूंगा कि शायद आप नहीं पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप अपनी पढ़ाई प्रॉपर तैयार रखें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।